मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बताते कि एक ही चीज जिसकी टेंशन नहीं लेनी तुमने, वो है कि कितना देर तेरे तक आना है। ये बात हमारी फितरत के अंदर है, हमारी फितरत के अंदर, कि हमें वो वाला बंदा नेचुरल अट्रैक्शन देता है। अल्लाह ताला ने ये लिख के हमारे अंदर स्टोर कर दिया हुआ है, इसको सेरोटोनिन कहते हैं, कि हमें वो नेचुरल अट्रैक्शन देगा कि जो गिवर है। हमें अब्दुल सत्तार इदी नेचुरली अट्रैक्ट करता है, हमें पॉलिटिशियन नेचुरली अट्रैक्ट नहीं करते, बिकॉज ये खुद महलों में रहते हैं और हमें गुर्बत का ऊपर कैसे कहते हैं ना, इक्तफा करने का दर्श देते। सही, कि तैयार रहना, कौन पे सख्त वक्त आएगा, सिर्फ कौन पे ही सख्त वक्त आएगा, सर आपके ऊपर क्यों नहीं वक्त सख्त आएगा। सही, आपके घर पे बिजली कभी भी नहीं जाएगी, आपके महल बढ़ते रहेंगे। हम सबको पता है कि जो फुकर में खुश है, उससे ज्यादा दुनिया में कोई मोटिवेटेड आदमी नहीं हो सकता। ये लोग फुकर में खुश होने की कभी भी ट्रेनिंग नहीं देंगे आप, बल्कि ये आपको फील कराएंगे कि निकलो इससे। जी जी, इफ यू आर बोर्न स्टूपिड इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई स्टूपिड दैट्स योर मिस्टेक। ये है मोटिवेशनल मंत्र, ये मंत्र है। इवन दो एंड में आके खुद बैठे होंगे दलाई लामा के पास, किसी फिग ट्री के नीचे बैठे होंगे, कि हमें चैन नहीं आ रहा, प्लीज हमें बताओ, अंदर से हॉलोनेस है, हमारे बच्चे खुदकुशियां करने को कहीं चल रहे हैं घरों में, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। सही, बट दे आर नेवर गोइंग टू एडमिट टू इट, के ओ यू नो व्हाट, क्योंकि वो बेचारे क्या करें, पेशा है ना, आपने सही लफ्ज में बोला था, प्रोफेशन है, पेशा है। ये क्या पैसे कमाने में, ग्रोथ करने में, ये एम्बिशन रखने में कि मैंने बहुत ग्रो करना है लाइफ में, ताकि मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करूं, मेरे बच्चे कल को क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करें, मैं चैरिटी करूं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करूं, मैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खोलूं, इसमें कोई हर्ज है? बोलते रहते हैं बच्चे, सर हमने ना सदका करना है इसलिए पैसे बना रहे हैं। सही, हालांकि क्लास सिक्स में बताया गया था कि इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ मनी, इट्स द वेट ऑफ द मनी। सही सही, जिसके पास कब सब कम पैसे होंगे उसका सबसे बड़ा सदका होगा। सही सही, ये सबको पता है, बीच में ये अपने आप को जो है ना धोखा देने वाली मशीन जो है ना, वो कहीं से अमेरिका से, यूट्यूब से, या पाकिस्तान से, हजार पाकिस्तान में भी ना, खाली वेस्ट वेस्ट ना लगाए, लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड, हर कोई ये बेच रहा है कि ज्यादा पैसे होंगे तो अल्लाह की ज्यादा काम कर सकोगे, नाउज बिल्ला, मतलब अल्लाह तो ये अमीरों के दीन है इस्लाम। सही, गरीब बेचारे दोजख में जाएंगे क्या? हालांकि जन्नत की और दोजख के डायलॉग हमें पता है, जन्नत दोजख से कहेगी, बिल्कुल सही है, तेरे पास क्या आया, तो दोजख कहेगी मेरे पास लीडर आए, मेरे पास उमरा आए, मेरे पास महलों के बादशाह आए, और तेरे पास क्या आया, तो जन्नत कहेगी मेरे पास तो गरीब ही आए। वो फिलॉसफी क्लियर है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कोई हर्ज डाउन करते हैं, मैं बताता हूँ क्या हर्ज है ना, आपको आसान, बहुत अच्छा सवाल, आपको कोई अपनी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहता है तो इसमें क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, वो असल में स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ है। जितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप, मोहल्ले में आप एंटर हो तो लोग आप मुस्कुरा के देख रहे हो कि ये आया है तो हमारी बेहतरी होगी, ये होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। सही, आपकी वजह से मोहल्ले वालों को रूट लगा हुआ और बाहर रोड पे गाड़ियां बंद हुई क्योंकि साहिल मियां की 50 जो है ना एसयूवीज ने गुजरना, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। समझे, दिस इज मतलब कारून को इसी वजह से हम रिकॉग्नाइज करते हैं। कारून को क्यों नहीं यूनिवर्सिटी के लेक्चर के लिए बुलाते थे कि यार बड़े पैसे बनाए आ जाएं? सबको पता था यार, इसने ओवरऑल एक कैंसर क्रिएट कर दिया है। अभी जितने भी बिलियनर थे ना, सबको पता है कि यार 7% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ इज इनसाइड द बैंक्स ऑफ दीस 2000 पीपल। 7% ऑफ ऑल द प्लैनेट्स वेल्थ स्टैग्नेट हो गई है। सही, सोचिए क्या क्या हो सकता था। कैपिटलिज्म को आए हुए जुमा जुमा 1783 में तो पैदा हुआ कैपिटलिज्म। सही, 1700 से पहले के मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या बातें करते थे, जरा सोचें, हमें पता है वो क्या बातें, रूहानियत की बातें, वो सोशल वेलफेयर और गिविंग की बातें करते थे, वो सेलिब्रिटीज थे उस वक्त। ये उस वक्त के एक भी स्पीकर का नाम नहीं इस वक्त वायरल होता, उसकी किताबें नहीं बिकती, क्यों? क्योंकि वो पैसे देने वाले लोग थे, वो लोगों को असली बातें बता रहे थे। हालांकि सोशलिस्ट, मैं सोशलिस्ट नहीं हूं कहीं से भी, फॉर अ रीजन, कार्ल मार्क्स को अगर इतना ही पता होता ना तो मुंह के बल ना गई उसकी फिलॉसफी। जितने भी मार्क्सिस्ट लोग इस्लाम में मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म में इस्लाम ढूंढ रहे हैं, वो किसी और लेक्चर में आए। द क्वेश्चन इज, उस वक्त के मोटिवेशनल स्पीकर एटलीस्ट ट्रू टू द केमिस्ट्री थे। सही, केमिस्ट्री क्या है? अब्दुल सत्तार इदी और किसी भी एक पॉलिटिशियन का नाम ले आ रहा हूं, ना नेम एनी ऑफ देम, चाहे वो PMLN का हो या PTI का हो, एक साथ खड़ा करें और अंदर की आवाजें लगवाएं सबसे, कौन बेहतर है? हु डू यू वांट टू बी? नॉट इवन वन पर्सन, इफ ही इज ट्रू टू हिमसेल्फ, ही इज गोइंग टू चूज द MNA, द पॉलिटिशियन, और द बिलियनियर, और द बिल गेट्स, और द जैक मास, दे विल बी लाइक यार एंड में मुझे यही बनना है, ये मैं चाहे रास्ता ही निकालूं, गोल मेरा ये है, क्योंकि मुझे नेचुरल अट्रैक्शन को डिनाई नहीं कर सक रहा हूं, अंदर की केमिस्ट्री की आवाजें कुछ और है। सही, गरीब बनने के ऊपर इक्तफा करना और इसके ऊपर शुक्रगुजारी करना कि मुझे अल्लाह ने कम दिया है, मैं शुक्रगुजार हूं, इसकी ट्रेनिंग मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं हो सकती ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज वो सिक्का बिकेगा नहीं, इसलिए देखिए पंपिंग द मनी कार्ड इन।